हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में सनी देओल की टॉप 5 एक्शन मूवी के बारे में। वैसे तो सनी देओल की सभी मूवी एक्शन पैक्ड होती है, लेकिन हम टॉप 5 फिल्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 5th नंबर पर जो फिल्म है वो है घातक। घातक फिल्म 1996 में आई थी, जिसमें हमें डैनी मेन विलन में दिखे थे और मीनाक्षी सिसोदिया और सनी देओल लीड रोल में इस फिल्म में दिखे थे। 4th नंबर पर जो फिल्म है वो है इंडियन, जो 2001 में आई थी। तो इंडियन फिल्म की मैं अगर बात करूँ तो इसमें शिल्पा शेट्टी और सनी देओल फिल्म में एक साथ दिखे थे। ये भी फिल्म बहुत ही बढ़िया रही थी। और 3rd नंबर पर जो फिल्म है वो है घायल, जो 1990 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल और मीनाक्षी सिसोदिया मेन लीड रोल में दिखे थे। ये फिल्म भी बहुत ही बढ़िया रही थी। और फ्रेंड्स, अगर देखें तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर अगर फिल्म देखें तो दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो है जिद्दी, जो 1997 में आई थी। इस फिल्म में जिद्दी में सनी देओल और रवीना टंडन एक साथ एक फिल्म में दिखे थे और ये फिल्म भी बहुत ही बढ़िया एक्शन पैक्ड फिल्म है। और अगर पहले नंबर पर अगर हम देखें तो पहले नंबर पर जो फिल्म है वो है गदर एक प्रेम कथा, जो 2001 में आई थी। और इस फिल्म में देखें तो सनी देओल अमरीश पुरी मेन विलेन में लिखी थी और अमीषा पटेल इस फिल्म में मेन लीड एक्टर थी। ये फिल्म बहुत ही बढ़िया एक सुपर डुपर हिट मूवी रही थी और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये रही टॉप 5 एक्शन मूवी ऑफ सनी देओल। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए। और आपकी फेवरेट मूवी इन में से कौन सी है और आपकी फेवरेट एक्शन मूवी कौन सी है जरूर से मुझे कमेंट करके किसी भी एक फिल्म का नाम बता देना। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। एक